Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। जब मैंने इसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। छठी गारंटी किसानों के लिए, किसानों को आप इज्जत की जिंदगी दे सकते हैं अगर आप उनको उनकी फसलों के पूरे दाम दे दें। किसान कोई भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना हक मांग रहा, किसान अपनी बारिश में धूप में मेहनत करके और अपनी फसल उगाता है और उसके बाद जब उसको फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते तब वो अपने ऋण नहीं चुका पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता। अगर आप उसकी फसलों के दाम सुनिश्चित कर दें तो किसान को आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनकी फसलों के पूरे सभी फसलों के पूरे दाम MSP के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा जो दिल्ली वासियों का कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। इसके लिए हमने बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की है, हमारे मंत्रियों ने, हमारी टीम ने बैठ के, सब लोगों ने बैठ के कि एक साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से हमने भ्रष्टाचार पे, दोनों लेवल पे, छोटे लेवल का भ्रष्टाचार और बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हमने जो वार किया है, उसी लेवल पे इफेक्टिव तरीके से पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। और दसवीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, अगर किसी देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति खुल के व्यापार नहीं कर सकते या अपने व्यापार को नहीं बढ़ा सकते तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस देश के अंदर कभी जॉब्स पैदा नहीं हो सकते। और ये डेटा बताता है कि पिछले 8-10 साल के अंदर इस देश के 12 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़े बड़े अमीर लोग इस देश के अंदर व्यापार और उद्योग बंद करके विदेशों में चले गए हैं क्योंकि इस देश के अंदर आतंक मचा रखा है सरकार, केंद्र सरकार ने, उन लोगों को डराने का, धमकाने का। GST को PMLA से बाहर किया जाएगा, GST का सरलीकरण किया जाएगा, सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा और एक ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अगर इस देश के अंदर कोई सही तरीके से व्यापार करना चाहे तो वह व्यापार कर भी सकता है, उद्योग खोल भी सकता है, ज्यादा परमिशंस की जरूरत नहीं होगी। और बड़े स्तर के ऊपर हम व्यापार को और उद्योग को, हमारा टारगेट चाइना को पीछे छोड़ना है जो आज इस दुनिया के अंदर इसमें व्यापार में और उद्योग में और प्रोडक्शन में बहुत आगे है, हमारा कॉम्पिटिशन उनके साथ है। तो इसके लिए सभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये हम लोगों की 10 गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझता हूं कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। वॉशिंग मशीन वाली बात कही तो क्या इसका मतलब है कि जो कार्रवाई हो रही है वैसी कार्रवाई आप लोग करेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं वॉशिंग मशीन तोड़ेंगे, हम ये कह रहे हैं कि
आज ईमानदार लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, बेईमानों को वो अपनी पार्टी में शामिल करके संरक्षण देते हैं और उनको ईडी और सीबीआई के केस, ये व्यवस्था बंद की जाएगी। जो असली बेईमान है, जिन्होंने असली में बेईमानी की है, उन लोगों को पकड़ा जाएगा। इस तरह से पॉलिटिकल तरीके से विक्टिमाइजेशन बंद किया जाएगा। देखिए, कल मैंने बोला था कि मैंने क्या बोला था, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कानून बनाया था, अपने नियम बनाए थे बीजेपी के लिए कि 75 साल की उम्र होने पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको कोई, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी नेता को किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं देगी और उनको रिटायर किया जाएगा। उस नियम के आधार पे आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, सुमित्रा महाजन जी को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया, रीता बहुगुणा जोशी जी को रिटायर किया गया, संतोष गंगवार जी को, कई लोगों को रिटायर किया गया, यशवंत सिन्हा जी को रिटायर किया गया। तो कल जब मैंने कहा कि उस नियम के हिसाब से 17 सितंबर 2025 यानी कि अगले साल प्रधानमंत्री जी जब 75 साल के हो जाएंगे तो वो भी रिटायर हो जाएंगे, जब मैंने ऐसे कहा तो कल मैंने देखा कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा कि वो नियम 75 साल वाला मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है, जब किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है, तो जाहिर तौर पे उनकी पार्टी के लोग उनको उनके समर्थन में बोलते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला अभी, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं हम उनको रिटायर नहीं होने देंगे, उनको ये उनकी भावना है, उनके पार्टी के नेताओं की भावना है। प्रधानमंत्री जी ने जो नियम बनाया जिसके तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में उस नियम को अपने ऊपर लागू होने से नहीं रोकेंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि उस जिस नियम में आडवाणी जी रिटायर हुए मैं उस नियम पे अपने ऊपर नहीं, या तो प्रधानमंत्री जी कह दें कि वो नियम अब मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, आडवाणी जी के लिए बनाया था वो, या तो वो कह दें, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कहेंगे। तो जाहिर तौर पर बाकी नेता सारे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो रिटायर होंगे वो, ऐसा मेरी गुजारिश यह है कि प्रधानमंत्री जी ये बता दें कि उनका सक्सेसर कौन होगा, नहीं तो आपस में मारकाट मचेगी उनके अंदर। दूसरी चीज, एक और चीज है, कल मैंने जो कहा कि वन लीडर वन नेशन का जो वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है, उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये काम पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ही ये लोग हटाएंगे, तो ये बात तो कल पक्की हो गई कि योगी जी को हटाया जा रहा है। सर, आपने अक्षय सिंह का नाम लिया पर पीओके का नाम नहीं लिया, पीओके पे क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल, वो हाँ इसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसको भी वापस लेके रहेंगे। आप पीएम की गारंटी के एक सपनी गारंटी लाए हैं, आपने अपने कुलवीर से भी बात नहीं की, सबसे बात करके लाया हूँ मैं, जो इंडिया अलायंस है मैं सहमत हूँ, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स से, क्योंकि समय कम था, चुनाव आधा बीत चुका है, मैं माफी मांगता हूँ उनसे, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्कूल खोलने पे, अस्पताल खोलने पे उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ उनसे जब जब मौका लगता है कि चुनाव बाद अगर इंडिया का गठबंधन, लेकिन जो भी सरकार बनेगी उस सरकार से मैं करवा के लाऊंगा, मेरे पे भरोसा करो। थैंक यू। एक
थैंक यू। दिल्ली में सारी बीजेपी हारी है, बीजेपी हारेगी सारी, जितनी है माहौल आप एक बार ही जाके देखो, आपको तो आप तो सारे पत्रकार घूमते ही रहते हो। आज शाम को 2 बजे जा रहा हूँ मोतीनगर, और दिल्ली से बाहर अभी जो फिक्स हुआ है क्या क्या है बता दो। बिहार में